नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले मोहम्मद शमी के स्थान पर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अवेश खान को भारतीय टीम में शामिल किया है। अवेश खान ने हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में 6 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। बता दें कि अवेश खान ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने भारत के लिए 8 वनडे और 9 T20 मैच खेला है। उनके नाम 22.65 की औसत से 149 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज है। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट 3 से 7 जनवरी 2024 तक कैंप टाउन में खेला जाना है। बता दें कि भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में संघर्ष करना पड़ा और उसे पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत के बल्लेबाजों ने पहली पारी में टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और उनके तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान किया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने 163 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। डीन एल्गर्स ने शानदार 185 रन की पारी खेली। इसके बाद रबाडा और बर्गन की तेज गेंदबाजी आक्रमण के आगे मेहमान टीम टिक ना सकी। भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही खेल से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार।